स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर नाइन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी तक मिल तक क्यों नहीं पहुँचते इसका आंसर है रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट बिकॉज प्रोडक्ट्स रिएक्ट दैम टू फॉर्म रिएक्टेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी तकमील तक नहीं पहुंचते और इसकी वजह यह है कि ऐसे रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स दोबारा से आपस में रिएक्ट react करके रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एक मिसाल से वजाहत करें वेन रियक्शन सीज इज प्रोसीड जब रिएक्शन मज़द आगे ना बढ़े और रुक जाए इट इज कॉल्ड स्टेटिकम तो इसे हम कहेंगे स्टेटिकम दिसपोली इन फिजिकल फिनमना ये ज्यादातर तबी माह के अंदर होता है इसकी एग्जाम्पल करते हैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अब बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग एक बिल्डिंग कायम रहती है राधर दैन फॉलिंग डाउन गिरने की बजाय मुनहदम होने की बजाय बिकॉज क्योंकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स तवाजन की हालत में है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिक्विबियम स्टेटिकम की एक मिसाल है वो कह रहा है कि स्टेटिक्वेबरियम ज्यादातर तबीयर के अंदर होता है मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग मुनहदम होने की बजाय कायम रहती है और उसकी वजह यह है कि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स तोजन की हालत में होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारों में तब्दीली क्यों नहीं होती तो इसकी वजह यह है बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फारवर्ड एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फारवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर होती है and the amount of reactants converted into product becomes equal to the amount of products converted into reactants और जितने reactants product में तब्दील होते हैं उतने ही product दोबारा से में तब्दील हो जाते हैं Students वो बात कर रहा है कि reversible reactions में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारों में कोई तब्दीली नहीं होती इसकी वजह यह है कि equilibrium की हालत में जिस रफ्तार से फारवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है और जितनी रिएक्टेंट्स की मिकदार प्रोडक्ट में तब्दील होती है उतनी ही मिकदार प्रोडक्ट की दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाती है इस वजह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मात्राओं में कोई तब्दीली नहीं होती और इनकी मात्राएं कॉन्स्टेंट हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट यू सेल्फ में तीन क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स